Today lecture is about the communication technologies that are using in the telemedicine services and system. Let's review the previous lecture a little bit that we already have studied about the e-learning and learning management systems. That is the education provided through the distance, and different kind of materials can be shared from anywhere, any location. Some of the useful links are here. इसको आप ज़रूर थोड़ा सा read out ज़रूर कर लें ताकि आपको ना detail में थोड़ा सा further पता चल जाए कि how the e-learning has been works. दो तो शुरू के जो हैं वो is about the e-learning informations. While this is the website digiskills.pk, which is supported by Ministry of Education Pakistan, and they are also offering some different online courses. तो इन courses में आपकी classes होती हैं, assignment and quizzes होते हैं, और in the end आपको certificate भी दिए जाते हैं. So some of the courses are free in this particular website. So if you have any time, you can register in this website and you can take some extra courses. Like even के CAT के भी courses जो हैं वो ये इस website पे मौजूद हैं. Then we have to little bit study about the teledentistry technology. The teledentistry is the use of ICT for dental care consultation as well as the education and public awareness. So, you know, teleconsultation भी is now a part of the telemedicine. It's been done in some different countries. उसके कुछ useful links हैं, सही है ना, तो कि how the teledentistry has been going और क्या उनकी कुछ policies हैं, तो कुछ उसके links हैं basically. It will be very helpful कि आप इसको read out करें तो आपको further teledentistry के अंदर पता चल जाए. Now comes towards the communication technologies. Like there are so many different kind of communication ways. Basically these are the ways which required some different hardware which is related to the computer technology. So starting from the like small range tool goes towards the higher range. So the smallest range we are using the Bluetooth technology or the Zigbee. Both are using for the personal area network. अब कुछ बेहतर है. Noise काफी ज़्यादा थी. अच्छा. फिर हमारे यानी मींस कि ये बोथ ब्लूटूथ एंड ज़िगबी यूजिंग फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क डेवलपमेंट. सो इफ़ वी रिलेट दिस पर्सनल एरिया नेटवर्क, सो इट इज़ रिलेट टू लाइक जस्ट अ सिंगल रूम और अ सिंगल फ्लोर. सही ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क एक सिंगल फ्लोर को डील कर रहा होता है. इसके अंदर अगर हम टेलीमेडिसिन को यूज़ करें तो देयर इज़ कॉल्ड द बॉडी एरिया नेटवर्क. सही ना, तो बॉडी एरिया नेटवर्क जो है वो कवर अप करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसमें वी आर प्लेसिंग सम सेंसर्स ऑन द बॉडी एंड इट गिव्स द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ द लाइक द वाइटल साइंस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन टूवर्ड्स द नियर बाय डॉक्टर और नर्स को थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लूटूथ एंड ज़िगबी टेक्नोलॉजीज. फिर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है. लोकल एरिया नेटवर्क इज डीलिंग विद द सेम एरिया, यानी मीन्स के सेम एरिया के अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं. यानी यूनिवर्सिटी हो गई या कोई कंपनी हो गई, सही ना, तो उसमें एक लोकल एरिया के तौर पे आप अपने सिस्टम को रन कर रहे होते हैं. इवन कि कंप्लीट हॉस्पिटल हो गया, एक हॉस्पिटल लोकल एरिया नेटवर्क अपना एस्टेब्लिश कर सकता है. सही. पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है विद इन अ रूम विद इन अ फ्लोर तक की लिमिट कैपेसिटी होती है इसकी. लाइक 10 मीटर्स की रेंज है. सही ना, लोकल एरिया की तकरीबन 100 मीटर तक चली जाती है. यानी 1 किलोमीटर कह सकते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. वायरलेस लैन सेम वे दिस इफ यू आई एम सेइंग दैट दिस इज़ अ लैन. सो द वायरलेस लैन मीन्स के प्रोवाइडिंग लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेसली, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइक एक्सेस पॉइंट. सही ना, यानी मीन्स कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में भी जो हमारे पास वायरलेस इंटरनेट है तो वो वायरलेस लैन की कैटेगरी में आता है.
देन वाइड एरिया नेटवर्क यानी मीन्स के ये वही सीमी वी 3, 4, 5 जो डिप्लॉय की हुई है फाइबर ऑप्टिक्स केबल इन द ओशंस, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क को कवरेज कर रही है जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा होता है. दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट बट स्टिल इट इज़ यूजिंग इन आवर सम नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. दीज आर द लाइन्स लाइक अ पी टी सी एल लाइन्स, लाइक टेलीफोन की जो लाइन होती है उसमें वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. दीज लाइन्स आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सिग्नल्स. इसमें आपको फर्दर मोडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वर्क एज अ कम्युनिकेशन लाइन्स. इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, लाइक इंफ्रारेड का आपने पता होगा, इट लाइक यू आर यूजिंग इन योर रिमोट कंट्रोल्स इन इन अदर कम्युनिकेशन शॉर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स. इट दिस टेक्नोलॉजी इज लिटिल बिट ऑब्सोलीट बाय दिस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. डिफरेंस बिटवीन मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रारेड एंड द ब्लूटूथ इज दैट द ब्लूटूथ वर्क्स इन द ओमनी डायरेक्शनल, यानी मीन्स के राउंड 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 चारों तरफ इसके सिग्नल जो होते हैं वो स्प्रेड हो रहे होते हैं, जबकि इंफ्रारेड में ये था कि इट्स अ वन डायरेक्शनल, यानी मीन्स एक सिंगल डायरेक्शन में ये वर्क करता है. फिर एसिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड है. सो दीज आर द फोर टॉपिक्स डेट वी विल सी टुमारो लेक्चर्स एंड टुडे वी आर कवरिंग दीज ब्लूटूथ टिल वायरलेस लैन. बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड्स द ब्लूटूथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल like to tell you about the radio frequency. सही ना, basically electromagnetism के कोर्स में इसको ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में पढ़ाया जाता है, लेकिन वी आर जस्ट यूजिंग दिस और स्टडिंग दिस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर नोइंग के वी नीड दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज टू कम्युनिकेट आवर इंफॉर्मेशन फ्राम वन लोकेशन टू अनदर एंड दीज आर द डिफरेंट बैंड्स. So the radio frequency is a subset of the electromagnetic radiation with a wavelength of 100 kilometers till 1 millimeter. सही ना, और फिर ये जो radio frequency होती है usually inversely proportional to the wavelength, यानी means के if the frequency is low the wavelength is higher. सही ना, तो हमारे पास मुख्तलिफ frequency के bands हैं. सही ना, so called some extremely low frequency ELF which is less than 3 kilohertz ki frequency pe travel karti hai, it go, and the wavelength of the frequency is 100 kilometers, more than 100 kilometers. Similarly very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency. Hopefully you have seen very high frequency and ultra high frequency in your television sets. Sahi na, to unki ye frequencies hoti hain aur in frequency mein hi आपके जो सैटेलाइट चैनल या टीवी चैनल जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. सही है ना, तो इन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर वो उनके पास लिमिट होती है. अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है फ्रिक्वेंसीज की, यानी मींस के जो हमारी एक्सरेज हैं. सही ना, इट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज डेट कैप्चरिंग द इमेज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मशीन. सही है, वी हैव the FM is working on the high frequencies. We have the infrared is also a little bit higher. सही है ना, तो ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपको ये बताया जा रहा है कि किस फ्रिक्वेंसी पर कौन सी चीज़ काम कर रही है. सही ना, इंफ्रारेड वायरलेस लाइन वगैरह जो है वो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं. उसमें ये जो आपको हाईलाइटेड फ्रिक्वेंसीज मैंशन की हुई हैं, सो वो ये हैं कि बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी है विच इज़ स्टार्टिंग फ्राम 902 टू 928 मेगाहर्ट्ज़. वन फ्रिक्वेंसी इज़ 2.4 टू 2.4835 गीगाहर्ट्ज़. सही है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स 802.11b 802.11g. सही ना, सो दीज आर द IEEE स्टैंडर्ड. सही ना, IEEE के मुतालिक भी थोड़ा सा मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी जस्ट टेलिंग यू अबाउट द सम फ्रिक्वेंसीज. सो बेसिकली दीज हाईलाइटेड फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड इंडस्ट्री साइंटिफिक एंड मेडिकल फ्रिक्वेंसी बैंड. सही ना, ये वो फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. ये एक साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, मेडिकल पर्पसेस और वेरी शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसके अलावा जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर ऑल द लाइसेंस्ड. सही है ना,
यानी जो टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट है या एफएम रेडियो की ब्रॉडकास्ट है या एएम रेडियो की ब्रॉडकास्ट है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन वेज हैं तो उसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग योर कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसीज जो पार्टिकुलर मेंशन हुई हुई हैं, इसमें आपको किसी भी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डिवेलप योर ओन डिवाइस ऑन दीज पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज, सही ना। अगर आप कोई डिवाइस डिवेलप करते हैं तो इस और ये फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं तो आपको किसी किस्म की लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर यानी ये कि इट्स ऑल्सो वर्क्स इन अ वेरी शॉर्ट रेंज। सो ब्लूटूथ बेसिकली अडॉप्टेड दिस पार्टिकुलर 2.4 टू 2.48 GHz फ्रिक्वेंसी, सही ना। तो जो ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो इसके इसमें आप अपनी डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ जो है इस वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंसेस, सही है ना। इट्स अ वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट एंड इट्स अवेलेबल वेरी इजीली इन ऑलमोस्ट ऑल सेल फोन्स, ऑल लैपटॉप्स एंड अदर गैजेट्स एज वेल, इन योर कार्स एज वेल, सही है ना। सो बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन बाय ISM बैंड, सही है, एंड इट इज़ डिवेलप इन द स्वीडन एंड इट वर्क्स बिटवीन द 2.4 to 2.48 GHz और 2400 to 2480 MHz के हैं, सही ना। अच्छा, 1994 में इसको एरिक्सन ने डेवलप किया था, सही ना, स्वीडन के अंदर। और लेटर फिर ये हुआ था कि इट इज़ बिकम अ ग्रुप दैट्स कॉल्ड द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स, bluetooth.com करके इनकी वेबसाइट्स हैं। एंड करंटली द कंपनीज दैट हैज़ बीन कनेक्टेड विद एरिक्सन इज़ इंटेल, नोकिया, Toshiba and many other companies later joined it. So the founder companies are so called Intel and Nokia and Toshiba as well, along with Ericsson. So you know, Sony Ericsson ka agar aapne naam suna ho, they are providing the cell phones as well. So the Ericsson is from Swedish and the Sony is from the Japan. Okay, so it's a like a, not only the it works only 2.4 to 2.48 GHz transmission band, but it also using a less power, low power device, and it is implemented in personal area network products jo commercially taur pe jo available hote hain, sahi hai na. अच्छा, फिर इसमें जो ब्लूटूथ का एक एडवांटेज है, एक जनरल एडवांटेज विच विल बी हेल्पफुल इन द हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर एज वेल और डिवाइस एज वेल, कि इन ब्लूटूथ वी हैव अ मास्टर डिवाइस कॉल्ड द मास्टर ब्लूटूथ डेट कम्युनिकेट विद मैक्सिमम 7 डिवाइसेस एट द सेम टाइम, सही है ना। यानी मीन्स के मास्टर ब्लूटूथ डिवाइस होती है, सही है ना, जिसको आप डोंगल कहते हैं, सही है ना। तो इट विल बी कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट गैजेट्स एट द सेम टाइम, सही है। यानी मीन्स के आपने अपना सेल फोन, हेडसेट, कोई डेस्कटॉप है, कोई पेजर है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह जो है ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, सही है ना। सो सच कनेक्टिविटी इज कॉल्ड द पीको नेट, सही ना। 7 डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड इन द पीको नेट। सो दिस इज एन एडहॉक कंप्यूटर नेटवर्किंग लिंक्स, सही है। सो इट विल बी अलाउ टू कम्युनिकेट विद दीज पार्टिकुलर डिवाइसेस बाय द हेल्प ऑफ दिस मास्टर ब्लूटूथ डिवाइस, सही ना। तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो वायरलेस फ्री हो जाएगा एंड इट वर्क्स अराउंड 10 to 100 meters ऑफ रेंज, सही ना। सो इट डिपेंड अपॉन द इसका जो रेंज है, जिस रेंज का आप यूज़ कर रहे हैं, सही ना। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड द स्लेव डिवाइसेज, सही ना। दीज आर कॉल्ड द स्लेव एंड दिस इज़ अ मास्टर वन, सही ना। तो इस तरह से इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। सो हेयर इज़ द सम क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लूटूथ रेंजेस, सही है। लाइक द क्लास वन है, सही है ना। उसमें ये है कि इट टेक्स अबाउट 100 mW ऑफ पावर एंड इट टिपिकली रेंज इज़ अबाउट 100 meters, सही है। मोस्टली आई हैव ऑब्जर्व द क्लास टू रेंज ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, सही है। इट टेक्स अबाउट 2.5 mW ऑफ पावर like in 4 decibels and it approximately works in 110 meters of range, सही ना। इस तरह से ये काम करता है, इसकी जो ranges given है।
और फिर इसकी जनरेशन है, इसको मैंने बहुत ही समराइज कर दिया है कि व्हेन द ब्लूटूथ हैज़ बीन स्टार्टेड। आई थिंक द ब्लूटूथ हैज़ बीन स्टार्टेड, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन लाइक 1994 एंड लेटर द ग्रुप हैज़ बीन डिवेलप ऑफ द ब्लूटूथ इन 1998 एंड आई थिंक दे लॉन्च द फर्स्ट वर्जन इन 2000 but it is not very much successful, so the much more successful version of the Bluetooth is 1.2 sahi hai, in it sounds in 2002 and the data transferring speed is about like it designed for 1 megabits per second but the real speed is 700 kbps yani kilobits ya 0.7 megabits aap keh sakte hain ki isme uski data ki speed thi. Fir then 2004 mein 2.0 वर्जन आया, दैट्स कॉल्ड द इनहेंस डेटा रेट, सही ना, उसमें डेटा रेट को इनहेंस कर दिया गया था, अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मेगाबिट्स पर सेकंड के डेटा के लिहाज से उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था. 2007 में सिक्योर सिंपल पेयरिंग, यानी जो एक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट था वो एक लॉन्च हुआ था, यानी दोनों तरफ से ऑथेंटिकेशन होगी तो फिर डेटा ट्रांसफ़र होगा, सही ना, तो इसमें सही हुआ. 2009 में हाई स्पीड आया, उसके बाद फिर 2010 में लो एनर्जी के अंदर इन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस को लॉन्च किया. राइट नाउ व्हाट आई थिंक के जो 4 है, 4 या 4.1 या 4.2 आर द अवेलेबल, सही ना. 4.2 2014 में आया, जिसमें आईपी वर्जन 6 की कम्युनिकेशन इन्वॉल्व थी, यानी मीन्स बिफोर दैट आईपी वर्जन 4 तक इस ये चल रहा था, सही है ना. उसके बाद जो वर्जन 4.2 आया तो उसने आईपी वर्जन 6 को भी इंक्लूड कर लिया, और इसके थ्रू जो अब आपके अगर ऐसे सिस्टम जिसमें आईपी वर्जन 6 ही सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, आईपी वर्जन 4 की नहीं है, जिसमें वर्जन 4.2 के थ्रू आप डेटा ट्रांसमिशन वगैरह करवा सकते हैं, सही है. द लेटेस्ट वन इज़ 5.2 वर्जन, इट इज़ आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द डिवाइसेज एट द मोमेंट, बट 4.2 तक तो मैंने सुना हुआ है कि 4.2 तक की ब्लूटूथ जो है वो मौजूद है. जब भी आप अपना कोई सेलफोन लें लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन में, लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन में, तो उसमें ब्लूटूथ का वर्जन नंबर लिखा होता है, जिससे आप इसका आइडिया कर सकते हैं कि वॉट फीचर्स डेट ब्लूटूथ हैज़ बीन कवरिंग इन द पर्टिकुलर डिवाइस, सही है. तो इसी तरह bluetooth.com इनकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पे जाके इसको फर्दर डिटेल में स्टडी आउट कर सकते हैं. इट्स लाइक द समरी ऑफ द ब्लूटूथ. हियर इज़ द सर्किट, सो कॉल्ड द लाइक टिपिकल डायग्राम ऑफ द ब्लूटूथ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ब्लूटूथ. दे हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्लूटूथ ट्रांसीवर मॉड्यूल that has been connected with some the device that any device you are using, so you know a power supply is required, usually 3.7 volts of battery required for this particular purpose. There is a bluetooth antenna that it has been connected through bluetooth rf transceiver, so you know bluetooth mein data transmission bhi hoti hai, data receiving bhi hoti hai, so you know so if you are doing the both of things then ट्रांसीवर विल बी यूजफुल टू सेंड एंड ट्रांसफ़र द डेटा, सही है. इसकी फर्दर डिटेल्स जो पिछली जो ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में गिवन है, सही ना. इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. देर इज़ ए वन वीडियो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन इन योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, अगर आप इसमें कुछ काम करना चाहते हैं. डिड यू यूज़ द ब्लूटूथ सेंसर मॉड्यूल रीबा एंड उसामा? अभी तक आप लोगों ने यूज़ किया है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर? अभी यूज़ नहीं किया, ठीक है. सो होपफुली यू विल बी यूज इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ऑल्दो वी आर नॉट हैव इन द लैब्स इन द टेलीमेडिसिन सिस्टम कोर्स, सो बट एनी इफ यू लाइक यू कैन डिवेलप सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द टेलीमेडिसिन थिंग. So like at the moment in the coronavirus situation, so it will be very helpful that you can design some small project. So इसमें एक छोटी सी study दी हुई है, so I will share this study with you so you can watch this particular video and it will be very helpful. So there are different sensors available, HC05B, HC06B है. तो ये HC05 को मैंने देखा है काफ़ी सारे students ने यूज़ किया है विद आर्डिनो यूएनओ के बोर्ड के साथ ना, तो इसकी एक वीडियो है, ज़रा इसको ये देखें ज़रा.
you are going to only need a handful of things like an Arduino board, an LED, a Bluetooth module, a breadboard, and a couple of jumpers. So let's take our first component. This is a Bluetooth module HC05, and as you can see, it has got 6 pins, out of which we are not going to use the first and the last pin. So let's just focus on the other 4 pins between them. So second and the third pin, the VCC and the ground, as always, goes to the VCC and the ground of the Arduino board, and the TXD and the RXD pin goes to pin number 0 and 1 of the Arduino board, which is at the lowest point of the 13 digital pins over here. So let's start connecting. I just mounted the Bluetooth module. As mentioned earlier, no connection to the pin number 1, so pin number 2 goes to VCC, pin number 3, just a second, goes to the ground, pin number 4 and pin number 5. Well, just don't connect the pin number 4 and 5 for now. Let's connect our LED as well. The positive terminal goes to any of the 13 digital pins over here. I'll go for 8. And negative terminal goes to ground. So connections are done, and we'll discuss about the RXD and the TXD pin later. Now let's move to our coding part. So coming to our coding part, as before, in the void setup we would declare pin number 8 as the output pin, which is connected to the positive terminal of the LED. And then coming to our looping part, so if the Arduino receives any data that is serial.available is greater than 0, then serial.read, which means read the data. Then coming to our switch statement, if the data received is A, which comes under the case A, then the LED will glow, which means the terminal 8 will be high. And if the case is D, then the terminal will be low and the LED will turn off. As simple as that. Then coming to our break statement, after the switch statement, serial.print data, which means that the received data would be printed in the serial monitor over here in the top right corner of your window, and then repeat this whole procedure after every 50 microseconds so that it would receive the data after every 50 microseconds. So that's it, 20 lines of code, and you could control things with the help of your smartphone. So let's just move further. So let's take our smartphone, and you need to download an app called as Blue Control from the Google Play Store. Well, the link for download is available in the description. Just go and download this Blue Control app, and then we will connect it to our Bluetooth sensor. Just open
The app itself would ask you whether to turn on the Bluetooth, allow the access, then go to options, select connect, scan for the devices. You'll see here our Bluetooth sensor HC05 is visible over here. Let's connect to it. It would ask you a password. It has already given us the hint that the password would be usually 0000 or 1234. Try both of them. Now, well, I know the password, so I'm trying 1234. It says connected to HC05, which means that our Bluetooth module is successfully paired with our device. You can check whether the device has been successfully paired with the Bluetooth module by just looking at the blinking LED on the Bluetooth sensor. If the Bluetooth sensor is blinking at a slower rate than before connecting, which means that the Bluetooth module has been successfully connected. So let's come back to our Android, and according to our code, when I press A, the LED will be on, and when I press D, the LED will be off. So let's check it out. When I press A, the LED is on. When I press D, the LED is off. A on, D off. You see how easy is that? So that's all for today, guys. Just remember that you need to connect the RXD and the TXD pins to the Arduino after uploading the code, or else it will give you errors and the code will not get uploaded. So just take care of that one thing. So in my next video, we are going to see how to control an LED with the help of voice commands. So stay tuned, subscribe to my channel and get notified about my okay ye link niche given hai sahi na to the code that has been shown in this particular video is also link on this particular YouTube iske par unhone link diya hua hai so if you want to try you can try it later sahi na so we even one I did one of the project with my previous students in Sir Syed University and we have published an article on the wireless brain computer interfacing sahi na to unhone bhi isi module ko use karte hue four devices ko na control karwaya tha through the mobile app sahi na MIT ko bhi use karte hue aap MIT app jo hai na usko bhi interface kar sakte hain with this particular module and with Arduino so although there are so many tutorials also available on the YouTube you can see and implement it तो उन्होंने भी ये किया था कि दे आर कनेक्टिंग ब्लड प्रेशर डिवाइस और कुछ लाइट थी बल्ब था फैन था तो इस तरह की डिवाइसेस जो थी वो इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था सही ना तो उसका मैं पेपर जो है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा नेक्स्ट क्लास से पहले सो यू कैन रीड इट तो यू कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल डिवाइसेस टू मेक सम स्मॉल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कमर्शियली तौर पे देयर आर सो मेनी ब्लूटूथ इनेबल हेल्थ केयर डिवाइसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट इन विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज अ डिजिटल स्टेथोस्कोप सही ना ये स्टेथोस्कोप है इट कैन बी यूज एज लाइक अ सिंपल यानी नॉर्मल टैग की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ ब्लूटूथ के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं सही है देयर आर सो मेनी कंपनीज डेट आर डिवेलपिंग डिजिटल स्टेथोस्कोप्स इन विच 3M लिटमैन इज़ द मोस्ट लाइक पॉपुलर कंपनी है सही ना इसके अलावा भी यानी मीन्स के ऑन द ब्लूटूथ वेबसाइट दे सेड दैट 40 मिलियन ब्लूटूथ इनेबल होम एंड प्रोफेशनल हेल्थ केयर डिवाइसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट और उसमें जो मशहूर जो कंपनीज हैं उसमें 3M A&D नॉनिन एंड ओमरॉन का नाम सबसे ज़्यादा है कि इनकी डिवाइसेज जो हैं मुख्तलिफ डिवाइसेज यानी मीन्स कि उन्होंने होम पर्पज़ के लिए भी यूज़ की हुई हैं यानी जो स्मार्ट होम डिवेलप करते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँगा वट हाउ द स्मार्ट होम हैज़ बीन डिज़ाइन सही ना अच्छा ये जो ब्लूटूथ है इसको ज़रा देख स्पेशली नाउ डेज इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ कि लाइक दिस वीडियो इज़ वेरी लाइक हेल्पफुल इन द कोरोना पेंडेमिक सही ना तो यानी मीन्स कि अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने सेव करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग टू यूज़ विदाउट एनी लाइक
try to minimize the spread of the coronavirus. Anyway, this is one of the like company that introduced their digital stethoscope. तो इसमें ये है कि जो सिग्नल्स हैं वो आपके सेल फोन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इट विल बी सेफ, इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम लाइक वन पॉइंट टू अनदर, यानी मींस के सिग्नल एक्सट्रैक्ट करके आप किसी सीनियर कंसल्टेंट को भी ये साउंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक द ओपिनियन एज वेल, यू नो. सो इट्स लाइक दिस वे द ब्लूटूथ हैज़ बीन यूटिलाइजिंग. नाउ डेज इन एवरी सेल फोन हैज़ लाइक द ब्लूटूथ ट्रांसीवर. So if you are going to implement some particular instrument and you can connect with a Bluetooth module, so it easily data has been transferred. See, you know, so agar uski strength kam hai. Similarly, we have the already I told you the blood pressure devices available, glucometers, weighing machines, see, you know, all of them extract the readings and transfer towards the cell phone. And either you can save it or transfer towards a particular practitioner. See, now this is the, there are so many companies they are providing, like the digital thermometer and so on. So each and everything will be integrate, especially the healthcare devices with the Bluetooth modules. अच्छा, फिर एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डेट्स कॉल्ड द ZigBee. सही है ना, ZigBee इज अनदर टेक्नोलॉजी अबाउट इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ द IEEE अगेन 802.15.4 इज द नंबर. सही ना, यानी IEEE जो है एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन भी है, पब्लिकेशंस भी करती है, पेटेंट्स भी करती है और स्टैंडर्ड भी डेवलप करती है. सही ना, सो जो ब्लूटूथ है वो भी शुरू में 802.15.1 उसका स्टैंडर्ड था. सही ना, लेकिन अब जो SGI ग्रुप है दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन. सो रिसेंटली आई हैव सीन दैट दे आर नॉट डायरेक्टली इन टच विद द IEEE स्टैंडर्ड. सही ना, सो एट द मोमेंट दे आर नॉट इन टच विद द IEEE, दे आर डिवेलपिंग देयर ओन स्टैंडर्ड. सही ना, लेकिन इनिशियली 802.15.4 जो था उनका 4.1 जो था उनका स्टैंडर्ड था. ZigBee जो है वो IEEE 802.15.4 है. 802 से जो भी स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है ना वो आमतौर पे वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए डिजिग्नेट किया गया है. तो इस तरह से इनकी नंबरिंग है डिफरेंट. 802.11 का नाम सुना होगा जो वाईफाई का है. सही है ना, तो वाईफाई में भी फिर ए वो बी जी एन आ जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द दी स्टैंडर्ड्स. सही ना, सो IEEE ऑल्सो मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स. ZigBee अलाइंस के नाम से एक ग्रुप है. सही है ना, सो दूस हु आर डिवेलप दिस पार्टिकुलर डिवाइस. सही है, सो द डिफरेंस बिटवीन इज ZigBee इज ऑल्सो लाइक द वर्क्स इन द रेंज ऑफ 10 to 100 meters, लाइक पर्सनल एरिया नेटवर्क. सही है, सो इसमें और ब्लूटूथ में जो मेजर डिफरेंस है वो सिंपल ये है कि जी इट्स लेस एक्सपेंसिव देन द ब्लूटूथ और वाईफाई, एंड इट्स मच सिंपलर. सही ना, यानी ब्लूटूथ से सिंपलर है और ब्लूटूथ से भी चीपर इसका रेट है. लेकिन डेफिनेटली द डेटा ट्रांसमिशन इज लेस एज कम्पेयर टू द ब्लूटूथ. सही ना, तो इसकी जो ZigBee की जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट है 250 kilobits per second है. सही, सो इन केस ऑफ transmitting small text, vital sign parameters, so it is more than enough. So you can also the ZigBee device as well. इसमें जो security protocol है वो भी different as compared to the Bluetooth. इसमें 128 bits symmetric encryption की है. सही ना, we are not going towards the symmetric encryption thing because it is a part of the medical informatics course. सही ना, so if we have left time I will tell you what is the difference between, there are two types of the security, that's called the asymmetric or asymmetric. So you know, so we will be, if we have offering the course of medical informatics, then we will cover in detail about this encryption standards. So the encryption standard in the Bluetooth is asymmetric, while here in the symmetric encryptions.
अच्छा, फिर उसमें यही ज़िगबी का अगेन कि जितने भी जो मॉड्यूल्स हैं, सही ना, चाहे ज़िगबी है चाहे ब्लूटूथ है, दे आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ओएसआई मॉडल, सही ना। ओएसआई जो हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, उससे जैसे हमने TCP/IP मॉडल एक्सट्रैक्ट किया, उससे इंफॉर्मेशन ली, तो हाउ इट वर्क्स लाइक द मैक एंड फिजिकल लेयर इज़ द स्टैंडर्ड डेट इज़ डिफाइनिंग बाई 802.15.4 स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, और जो जो मेन एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ज़िगबी। सो दिस इज़ द वे ऑफ डिफाइनिंग द ज़िगबी इन ओएसआई लेयर, सही ना। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन है ओएसआई के मॉड्यूल के अंदर। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ डिज़ाइन बाई एनी इंजीनियर बाय इट्सेल्फ, लाइक वो किस किस्म का पर्सनल एरिया नेटवर्क डिवेलप करना चाहता है, सही ना। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट मीन्स द टिपिकल रेंज ऑफ द नेटवर्क इज़ इन बिटवीन 100 10 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, सही ना। लाइक वन एक रूम के इक्वलेंट इसको यूज़ किया जा रहा है। यूजुअली जो पर्सनल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए किया जाता है, सही ना। सर लैन होता है, लैन में देयर सो मैनी पीपल्स आर वर्किंग, सो पैन इज़ मैक्सिमम 1 एंड 2, लाइक लेकिन मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंडिविजुअल पर्सन। लाइक एक पर्सन है, जैसे मैं घर पे हूँ, मेरा लैपटॉप है, और मेरा लैपटॉप जो है मेरे प्रिंटर से कनेक्ट हो जाए, मेरा लैपटॉप मेरे सेलफोन से कनेक्ट हो जाए, मेरा प्रिंटर जो है लैपटॉप जो है वो किसी भी और किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कह लें, कि नहीं ग्लूकोमीटर हो गया या डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, उससे कनेक्ट हो जाए। सो इट्स रिलेट टू द वन पर्टिकुलर पर्सन, सो दैट्स वाई इट्स सो कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क, सही ना। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिगबी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या इंफ्रारेड के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। सो दीज आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एंड इट इज़ द वायरलेस एंड वायर्ड, दोनों तरीकों से इसको डेवलप किया जा सकता है, सही ना। डेफिनेटली जब ब्लूटूथ और जिगबी को लेंगे तो इट बिकम्स अ वायरलेस, और अगर वायर्ड लेना है तो आप यू कैन इस्टेब्लिश अ केबल, उसमें आपका एक स्विच कहलाता है, जैसा राउटर होता है उसी तरह एक छोटी सी स्विच होती है, कि एक स्विच आप ले लें, उसके थ्रू आप RJ45 की केबल्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर से स्विच में कनेक्ट होती हैं, एंड देन स्विच विल बी कनेक्टिंग टूवर्ड्स द प्रिंटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, सही ना। इवन के पेशेंट मॉनिटर में भी वो वायर कनेक्ट करती है, तो पेशेंट मॉनिटर को आपने स्विच में लगाया, स्विच से आपने सिस्टम में लगा लिया, या इवन डायरेक्टली पेशेंट मॉनिटर कनेक्ट कर जाता है आपके सिस्टम के साथ। सो इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ वायर, तो इट्स अ नॉर्मल वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ अ वन ऑफ द टिपिकल सिनेरियो, लाइक इफ अ पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड एंड द डॉक्टर इज ऑल्सो सिटिंग ऑन देयर सेम फ्लोर, सो द पैन इज़ वर्किंग लाइक दैट, द इन केस ऑफ पेस मेकर हैज़ बीन इंस्टॉल इन द पर्टिकुलर पेशेंट्स बॉडी, सो इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल्स टूवर्ड्स द डॉक्टर्स हब, विच टेल्स द रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर एंड डिफरेंट बैटरीज ऑफ बैटरी लाइफ ऑफ द पेस मेकर एंड अदर इंफॉर्मेशन डेट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाई द पेस मेकर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ECG हो गया, सही ना। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि पेशेंट के साथ कनेक्टेड होंगी, और उसका जो डेटा और होगा वो ट्रांसमिट हो रहा होगा टूवर्ड्स द पार्टिकुलर डॉक्टर, सही ना, या फिर उस पार्टिकुलर हब की तरफ भी जा रहा है, विच इज़ मीन्स के इस डेटा को स्टोर किया जा रहा है। इस डेटा को स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि इट विल बी ट्रांसफर्ड लेटर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, सही ना। तो इसको दोनों टू वेज यूज़ किया जा रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के तौर पर भी और वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पर भी। सो दीज आर द IEEE स्टैंडर्ड्स, और हर स्टैंडर्ड डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द एरिया। एरिया मीन्स के सब पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो IEEE स्टैंडर्ड है 802.15 है, सही ना। 15 तो आपको मैंने पहले ही बताया था, 15 आया, उसके बाद .1 जो था वो ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, .4 जो था वो जिगबी को रिप्रेजेंट कर रहा था। वैन वी आर कमिंग टूवर्ड्स द लैन, द स्टैंडर्ड इज 802.11, सही ना। तो ये वाला स्टैंडर्ड, फिर मैन के अंदर .16 हो गया, और वैन के अंदर .25 हो गया। तो इस तरह से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, सही ना। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इतनी टेक्नोलॉजीज में, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ईच एंड एवरी लाइक पैन, लैन, मैन, वैन ऑल हैव द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, सही है ना, और इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मौजूद हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द लोकल एरिया नेटवर्किंग, लाइक इन आवर लैब, सही है ना। जो आपने कंप्यूटर लैब 1 देखी है, 2 देखी है, 3 देखी है,
सो दीज आर कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी मीन्स के ऑल द सिस्टम हैज़ बीन कनेक्टेड विद सम पार्टिकुलर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द सर्वर, सही ना। एक सर्वर सिस्टम होता है, सही है ना, हाईली कॉन्फिगर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट सिस्टम, सही है ना। और ये जितने की तमाम के तमाम सिस्टम्स होते हैं ये कनेक्ट कर जाते हैं विद अ सर्वर, सही है ना। ये सर्वर वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी सारी कम्युनिकेशन बाहर जा रही होती है। लेट सपोज कि अगर मैं सर्वर को ऑफ कर दूँ तो आपके जो जो सिस्टम जो जितने भी सिस्टम्स होंगे ना उस पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, सिस्टम इटसेल्फ काम करेगा। या फिर अगर आपके पास कोई बैकअप ड्राइव है, यानी मीन्स कि ऐसी सर्वर की डेटा ड्राइव भी होती हैं, सही ना, तो अगर सर्वर बंद है या सर्वर की एक्सेस नहीं मिल रही तो वो डेटा ड्राइव को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, सही है। नेटवर्क लैन का एडवांटेज कुछ ये है कि इफ़ यू हैव द एन एक्टिव सर्वर इन विच ऑल द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेटेस्ट लाइक वायरस का जो अपडेट्स होती हैं वो अगर इसमें मौजूद हैं सो यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑन ईच एंड एवरी पी सी एंड इट विल बी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, सही नहीं। यानी मीन्स के इसको वो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि हर पी सी पर इंडिविजुअली तौर पर जाएँ और उसको इंस्टॉल करें, विद दी हेल्प ऑफ सर्वर यू कैन इंस्टॉल ऑल द सिस्टम्स साइमल्टेनियसली, सही ना। तो इस तरह से लैन जो है वो काम कर रहा होता है। इसमें यही होता है कि इन तमाम जो पी सीज जो होते हैं डेट्स कॉल्ड द प्राइम पी सीज, इन सब की एक यूनिक आईपी होती है। आईपी को हमने अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, यानी 192.168.1 तो खैर नहीं, 2 इसको असाइन कर दी, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये तमाम की तमाम आईपी जो हैं वो बेसिकली इस सर्वर के अंडर काम कर रही होंगी, सही है। फिर अगर आपने किसी प्रिंटर को एक्सेस करना है, सही ना, तो प्रिंटर भी आपने सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो इसका एडवांटेज ये हो गया कि ये एक प्रिंटर है, इसको मल्टीपल नंबर ऑफ पीसीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सही है ना। तो इस तरह से यानी मीन्स कि आप मल्टीपल इक्विपमेंट को इसके साथ कनेक्ट करके आप किसी भी सिस्टम के थ्रू उस पार्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, सही ना। इट्स अ लाइक वेरी लेंदी कोर्स लोकल एरिया नेटवर्किंग, सो आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल, जस्ट गिव यू अबाउट अ स्मॉल समरी, सही है ना। जिसमें वाईफाई का जो इस्तेमाल है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, सही है। इन केस ऑफ टेलीमेडिसिन वी आर डूइंग दैट नाउ डेज द पेशेंट मॉनिटर्स, जो पेशेंट मॉनिटर्स हैं दे ऑल्सो हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इन अ लोकल एरिया नेटवर्किंग मैथड। के आप क्या करते हो कि आपके पास जितने भी आपके पास पेशेंट्स मॉनिटर्स हैं, सही ना, इट विल बी कनेक्टेड थ्रू अ सर्वर इन द फॉर्म ऑफ पीसी इन विच यू कैन मॉनिटर ऑल ऑफ द पेशेंट्स मॉनिटर्स डेटा ऑन अ सिंगल स्क्रीन, सही है ना। और इसका ये एडवांटेज भी है इन केस ऑफ लेट सपोज कि एक पेशेंट मॉनिटर एक पेशेंट के पास लगा हुआ होता है, कि लेट सपोज कि इफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट मॉनिटर गिव सम अलार्मिंग रिजल्ट्स, सो इट विल बी हाईलाइटेड ऑन द सर्वर एंड, सही ना, के बजाय इसके कि जो नर्स है वो इंडिविजुअली तौर पे इन पेशेंट मॉनिटर्स को देखे, वो एक मेन सर्वर को देखेगी और उसमें वहाँ पे उसको हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा कि जी इस पर्टिकुलर पेशेंट का ईसीजी या पल्स रेट वॉट एवर इट्स नॉट कमिंग इन द नॉर्मल रेंज, सो लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर पेशेंट। सो टू डिवेलप आर नेटवर्क इज़ बोथ लाइक वायरलेस एंड वायर्ड, सही ना। यानी मीन्स के अगर आप वायर्ड फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जी आपका जो पेशेंट मॉनिटर है, सही ना, उसमें एक पोर्ट होगी, मे बी RJ45 होती है, सही ना, या RJ11 होती है, मोस्टली RJ45 विल बी यूजिंग फॉर द नेटवर्किंग पर्पसेस। सो दिस केबल हैज़ बीन कनेक्ट टूवर्ड्स हेयर एंड देयर मे बी सम स्विच, एंड स्विच से फिर ये सिस्टम को कनेक्टिविटी जा रही होती है, तो उससे इसकी इंटीग्रेशन इस सिस्टम पे हो जाती है। सिमिलरली ये तमाम के तमाम पेशेंट मॉनिटर जो हैं वो एक लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, एक दूसरे डिपार्टमेंट में हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी हो सकते हैं, सही ना। तो इनको कम्प्लीटली तौर पे इस पार्टिकुलर सिस्टम के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप आपके पास वायरलेस पेशेंट मॉनिटर्स हैं, सो यू रिक्वायर्ड द वायरलेस राउटर या वायरलेस लैन आपको चाहिए होगा, इसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन जो होगी सारी वायरलेसली हो रही होगी, और इट इज ऑल्सो रिसीविंग द डेटा ऑफ दीज पार्टिकुलर पेशेंट मॉनिटर्स, ही ना। लेकिन डेफिनेटली इट मस्ट बी इन द पार्टिकुलर रेंज, 100 meters ऑफ रेंज के अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की रेंज में जो होता है सिग्नल लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, तो इट विल नॉट बी रिकमेंडेड।
बट इन द लैन इट विल बी लैंडियर एज मच एज यू कैन, सही ना। और उसमें लैन में सिग्नल क्वालिटी जो होती है अब इट बेटर होती है एज कम्पेयर टू द वायरलेस लैन में, सही ना। सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन डेफिनेटली वायरलेस लैन के अंदर आपके पास सेविंग ज़्यादा है, मोबिलिटी ज़्यादा है, सही ना। तो इस तरह से किसी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के एग्जिस्ट करते हैं। सो पेशेंट मॉनिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द लोकल एरिया नेटवर्क वे टूवर्ड इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, सही ना। आई हर्ड अबाउट के इंडस हॉस्पिटल में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई है, आई डिडेंट सी इट, इफ़ यू वेंट देयर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग देयर, बिकॉज आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, आई डिडेंट सी दिस इन द माई सेल्फ। उसामा डिड यू एनी ऑब्जर्व, आपने कहीं ऑब्जर्व किया इस चीज़ को? सर इंडस हॉस्पिटल में उनके पास था तो सही नेटवर्किंग का, एक एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास एक सिस्टम बना हुआ था जिस तरीके से वो जो है उसको पेशेंट मॉनिटर्स को मॉनिटर कर सकते थे। अब नेक्स्ट टाइम अगर कभी विजिट हो ना तो उनसे ज़रा डिटेल में पूछ के आना कि हाउ दे आर वर्किंग, एनी मीन्स का, अगर मैं मेरा भी विजिट नहीं हुआ तो वरना अगर मैं गया तो मैं भी उनसे थोड़ा सा एक आइडिया लेके आया। सो समबडी टोल्ड मी दैट दिस, यस दिस, सो इंडस हॉस्पिटल में मतलब हाँ मेथड इतना डिटेल्ड नहीं था ना, मसला सिर्फ ये है, लेकिन उन्होंने हिंट तो करा था कि उनके पास सिस्टम बना हुआ जिससे, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे पेपरलेस सिस्टम तो उनके पास एम्प्लॉयड है ना, मतलब वो पेपरलेस तो वो इस सिस्टम को भी खाली यूज तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल विजिट नहीं था इसका आइडिया एग्जैक्टली नहीं। इसमें बस यानी ये है कि जो पेशेंट मॉनिटर्स हैं ना, इनमें भी यही होगा कि हर पेशेंट मॉनिटर की एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, सही ना। वो यूनिक आईपी एड्रेस जो होंगे वो इस पर्टिकुलर जो सर्वर है ना इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे, यानी मींस के बैक एंड आपको इसमें ये होगा कि आईपी शो नहीं हो रही होगी, लेकिन बैक एंड पे यानी जो सिस्टम है 8000 ए कुछ के लिखा हुआ है इन्होंने, इसकी एक आईपी है, तो जो इस आईपी के अगेंस्ट जो डेटा होगा वो इनकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि मल्टीपल नंबर ऑफ नर्सेस को डिप्लॉय करें, जस्ट डिप्लॉय ऑन अ सिंगल सर्वर एंड दे कैन मॉनिटर ऑन द रियल टाइम बेसिस, और ये खुद ब खुद हाईलाइट कर देगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का जो है वो ECG या वट एवर द ब्लड प्रेशर इज़ नॉट नॉर्मल, सो यू कैन वॉच इट। सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द टेलीमेडिसिन सर्विस, सही ना, यूनिक सिस्टम है, दिस इज़ कॉल्ड द टेलीमेडिसिन पार्ट। फिर हमारे पास ये वायरलेस लैन आ जाता है, सही ना। वायरलेस लैन के की बात करते हैं तो सिंपली वाईफाई, सही ना, वाईफाई इज़ द एब्रीविएशन ऑफ वायरलेस फिडेलिटी, सही ना। IEEE 802.11 का स्टैंडर्ड है, सही है ना। इसमें बस सिंपल ये है कि इट्स प्रोवाइडिंग द कम्युनिकेशन विदाउट वायरिंग, सही है ना। अब ये वाईफाई में, वाईफाई जो होता है आमतौर पे इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वायरलेस लैन का मतलब ये है कि आप इंटरनेट को भी विदाउट एनी वायर्स यूज़ कर सकते हैं, सही ना। फॉर एग्जांपल लाइक इन आवर यूनिवर्सिटी वी आर यूजिंग द प्रिंटर विद वायरलेस लैन, सही ना। उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ इंट्रा नेटवर्क की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप लाइक आप एक PC है, सही ना, उसके साथ अगर आप 3 PCs को और कनेक्ट कर दें, सही है ना, थ्रू ब्लूटूथ, सही है ना, तो वो वायरलेस लैन बन जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरनेट चाहते हैं कि इट विल वर्क्स ऑन द इंटरनेट, देन द सर्वर मस्ट बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट सर्विसेज, सही ना। तो इंटरनेट सर्विसेज कनेक्ट कर जाएगा तो इट वर्क्स एज वाईफाई एज वेल, सही ना। तो हमारे पास मुख्तलिफ राउटर्स हैं, सही ना। तो राउटर हैज़ बीन इंस्टॉल थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी। राउटर क्या करते हैं कि इट विल बी कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर सर्वर एंड इट ऑफ इंटरनेट, और वो क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट को वाईफाई के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे आपकी ना मोबिलिटी बढ़ जाएगी कि यू कैन मूव एंड यू कैन यूज़ द इंटरनेट। सो इट विल ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन हॉस्पिटल्स सेटअप एज वेल, क्योंकि जिस तरह अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसके पास कोई टैबलेट है, तो उस पर अगर वो रियल टाइम पे डेटा देखना चाहे अपने प्रेमिस के अलावा भी, अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो वो विदाउट इंटरनेट भी हो सकता है, सही है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द बिल्डिंग है, किसी दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है, तो उसमें वाईफाई की उसको ज़रूरत पड़ सकती है और उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड डेटाबेस, सही है ना, कि अगर उसको वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ सकती है, वायरलेस लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है।
सो द टेक्नोलॉजी ऑफ लैन प्रोवाइडिंग विदाउट द वायर्स इज कॉल्ड द वायरलेस टेक्नोलॉजी। सही, उस तरह से यानी मीन्स के ये जितनी भी कम्युनिकेशन अमंग द सिस्टम जो हो रही है विदाउट एनी वायर्स, सो इट्स द वाइल्ड कॉल्ड द वायरलेस लैन। सही ना, सो इफ फॉर एग्जाम्पल द ADSL मोडेम, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोडेम, सही है ना, तो इट्स इंक्लूडिंग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो DSL मोडेम के ब्रॉडबैंड सिंपल जिसे आप कहते हैं, सही ना, वो आमतौर पर आपका किसी भी सर्वर के साथ विद वाइड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, यूजुअली वाइड ही होता है। और डेफिनेटली ये जो DSL होता है ये बैक एंड पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक सम पाकिस्तान में PTCL है, मुख्तलिफ ये अपनी सेलुलर कंपनीज हैं, सही है ना, तो दे आर प्रोवाइडिंग द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, सो ऑल ऑफ दीज कनेक्शन आर द वाइड एट द मोमेंट। सही है, उसके बाद फिर ये जो राउटर्स होते हैं वी आर कॉल्ड द एक्सेस पॉइंट, सही ना, एक्सेस पॉइंट्स के साथ भी जो कनेक्शन की वो कनेक्टिविटी होती है वो वाइड ही होती है। तो फिर जब एक्सेस पॉइंट से फिर डेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो वायरलेस हो जाता है, तो उसके अंदर चाहे लैपटॉप्स हों, सिस्टम्स हों, मोबाइल हों, दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू द वायरलेसली, सो मेक दिस पर्टिकुलर पार्ट एज अ मोबाइल। सही ना, इस सिस्टम को आपने एक वाइड वे में इस्टेब्लिश करना होता है, और ये जो अदर जो यूज़र एंड होता है वो लोकेशन फ्री एक्सेस उसको दिया जा रहा है। डिफरेंट उसके वो रेंजेस के एक्सेस पॉइंट्स हैं, सही ना, शुरू में 100 मीटर ऑफ रेंज के आए थे, लेकिन अब करंटली एट द मोमेंट 500 मीटर रेंज तक में भी एक्सेस पॉइंट जो है वो अवेलेबल है इन द मार्केट। सही ना, एंड यू कैन ट्रांसफ़र द ईमेल्स, फाइल शेयर्स, प्रिंटर की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अदर वॉट एवर द थिंग डैट यू आर गोइंग टू डू इन योर लैपटॉप थ्रू द इंटरनेट, यू कैन डू इट विद द मोबिलिटी ऑफ दिस थिंग। सही है, फिर उसी तरह फिर ये जो वायरलेस लैन जो है वो इन इट इज़ अवेलेबल इन द मेडिकल डिवाइसेस एज वेल। सही ना, मेडिकल डिवाइसेस में अगर इसकी बात की जाए, सही ना, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि पेशेंट की मॉनिटरिंग, सही ना, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। सही है, तो उसमें यानी वही सा एक पेशेंट है, सही ना, डायरेक्ट उसकी एक एप्लीकेशन पे चला जाता हूँ कि दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लाइफ सिंक्रोनियस, देर इज़ सम कंपनी, सही ना, उसका लिंक देर दे हैव देयर ओन वेबसाइट एज वेल एंड देर इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। सो वॉट दे आर डूइंग, दे आर मॉनिटरिंग द ECG, सही है ना, इसमें ECG को मॉनिटर कर रहे हैं। सही है, इसमें जो मॉनिटरिंग है, पेशेंट जो है वो मूव भी कर सकता है, सही है ना, लाइक अ काइंड ऑफ ऑल्टर और इवेंट मॉनिटर ECG सिस्टम्स एज वेल एज इफ अ पेशेंट इज़ ऑन द बेड। सो उसमें ना उसके बॉडी एरिया नेटवर्क पे सेंस वो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए गए हैं, सही ना, और डिवाइस के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन टूवर्ड्स द ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू डॉक्टर के पास या नर्स के पास, सही ना, तो इसमें वायरलेस लैन का इस्तेमाल किया गया है कि अगर पेशेंट अराउंड 100 to 500 मीटर के डिस्टेंस पर भी है तो भी उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मेंटेन हो रही है थ्रू द एक्सेस पॉइंट। सही ना, एक्सेस पॉइंट के थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर की जा सकती हैं। सही ना, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वाइटल साइंस को भी तमाम मॉनिटर किया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स लिए जा रहे हैं, फिर इसके अलावा जो एल्डरली केयर्स वगैरह हैं, सही है ना, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, सही है, हम लोग वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विच द मोस्ट लाइक हॉट टॉपिक एट द मोमेंट कॉल्ड द स्मार्ट होम्स एनवायरनमेंट। सही है ना, इसके ऊपर बेताशा रिसर्च पेपर्स हैं, तो आई एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर फिगर फ्रॉम द वन आर्टिकल कॉल्ड स्मार्ट होम्स फॉर एल्डरली केयर। सही ना, उसका लिंक गिवन है, इसको देख लीजिएगा इन लिंक को। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि एक स्मार्ट होम डिवेलप किया जा रहा है, सही ना, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें जो हमारा मेन फोकस होता है आमतौर पर वेरिएबल सेंसर्स की तरफ होता है या मेडिकल डिवाइसेस का होता है। सही ना, कि इसमें ECG हो गई, मोशन डिटेक्टर्स हो गए, पल्स रेट और SpO2 और डिफरेंट चीज़ें जो हैं हमारे पास, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये तमाम का तमाम डेटा जो है वो आपके एक्सेस पॉइंट से होम से किसी सर्वर पे कनेक्ट होगा और उससे डेटा ट्रांसमिशन होगी। इसके अलावा अगर स्मार्ट होम की बात करते हैं तो वी आर टेकिंग सो मैनी थिंग्स इन द स्मार्ट होम्स, लाइक एक्टिविटी डिटेक्शन। सही ना, उसमें अगर व्हीलचेयर को यूज़ कर रहा है, कैमरा है, सही है, और अगर खुदा न खास्ता कोई फॉल और वेंडरिंग वगैरह हो जाए, स्लीपिंग मॉनिटरिंग के अंदर भी आपका जो कार्डियक रेट है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, इन्वायरमेंट मॉनिटर के अंदर कि फ़ैन ऑन है, ऑफ है, AC ऑन है, ऑफ एंड सो ऑन, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, यानी मीन्स कि अगर वो
एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है या घर से बाहर जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग है, इनर्जी मैनेजमेंट है, होम ऑटोमेशन वगैरह हैं, सही है। और फिर रिमोट सर्वर प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपका सारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें से एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू स्मार्ट होम अगर आप डिवेलप करते हैं उसमें आपको वायरलेस लैन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलमोस्ट दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पार्टिकुलर लेक्चर्स टूडे। तो इसके अंदर अगेन एक छोटी सी समरी दी हुई है कि जो अगर आप ब्लूटूथ और ज़िगबी ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं, दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। सो इफ़ यू आर वर्किंग और डिवेलपिंग सम थिंग विच इज़ अंडर 10 to 100 meter ऑफ रेंज, सो यू कैन यूज़ द ब्लूटूथ ज़िगबी, सही है ना। डेटा स्पीड इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट दी हुई है 20 kilobits to 55 megabits per second, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड दी हुई है। आई डोंट थिंक सो कि इतनी स्पीड अभी अवेलेबल है, लेकिन एनी वे इट्स गुड फॉर स्मॉल डेटा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक इसमें ये होगा कि अगर आप एक्सरे यानी डाईकॉम की अगर इमेजेस की बात करूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द ब्लूटूथ एंड ज़िगबी, सही ना। लेकिन बेसिक जो वाइटल साइन है इट कैन ईजीली बी ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस, सही ना। एक्सटेंड नियर रेंज फ्रीक्वेंसी ISM 2.4 to 2.8 GHz, नो लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड, सही ना। इसकी सिक्योरिटी को एक फेयर इन्होंने बोला है कि एक इसकी जो सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद फिर अगर उसको एक्सटेंड करते हैं वाईफाई के ऊपर तो 100 to 500 meters की रेंज में चला जाता है, सही है। हॉटस्पॉट्स के थ्रू इसको कनेक्ट करके इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द 2.4 GHz, सो देयर विल बी नो एनी लाइसेंसिंग, यानी अगर मीन्स कि अगर वाईफाई तक की चीज़ को यूज़ करते हुए आप कोई डिवाइस डिवेलप करते हैं सो यू डू नॉट नीड टू बाय द फ्रिक्वेंसी लाइसेंस, सही ना। लेकिन जैसे ही वो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में चला जाए, 802.16 के स्टैंडर्ड पे चला जाए, तो इट रेंज विल बी हायर, यानी मीन्स कि ऑलमोस्ट एक पूरे सिटी को वो कवर अप कर रहा है, सही है ना। स्पीड भी ज़्यादा मिल रही है, उसकी सिक्योरिटी भी हाई है, लेकिन यू नीड टू बाय द लाइसेंस टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर सर्विस, सही है। यानी मीन्स के अगर आपके एरिया के अंदर कोई यानी मीन्स अगर सिटी बेस्ड कोई वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ही और शी नीड टू बी बाय द लाइसेंस। एंड देन दिस इज़ आवर मोबाइल सिस्टम, सही है ना। जो मोबाइल नेटवर्क है उसका मैंने ऑलरेडी बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 10 kilometers की डिस्टेंस के बाद दूसरा एंटीने की हमें ज़रूरत पड़ती है, सही ना, बेस स्टेशन की। तो इट विल बी ऑलरेडी कनेक्टेड, सो इट्स कवर अप ऑल द ओवरऑल कंट्री, सही ना। और इसकी जो स्पीड है अ लिटिल बिट लेस एज़ कम्पेयर टू द मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन इट्स क्वाइट फाइन, इट्स इंक्रीज फ्रॉम 2 megabits, सही है। ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है तो इसकी साइज उसकी जो रेंज है वो बढ़ चुकी है इसमें। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 2 to 2.17 की GHz के दरमियान है, इट्स अगेन लाइसेंस, सही है ना। तो इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा, सिक्योरिटी इज़ गुड, सही है ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के एक कंपेरिजन दिया हुआ है इन इन इस टेक्नोलॉजी का, सही है ना। तो इफ़ यू आर गोइंग टू डिवेलप सम प्रोजेक्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द ब्लूटूथ एंड ज़िगबी एंड मेक सम स्मॉल सॉफ्टवेयर, सही है ना। इस तरह से आप कोई भी चीज़ एक छोटी मोटी डिवेलप कर सकते हो टू ट्रांसमिट द डेटा। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है? क्लियर है, सही है। इसका मैंने ये एक लिंक्स भी मैं देता जा रहा हूँ साथ के साथ पूरे लेक्चर्स में, कि कहीं पे कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप इन लिंक्स पे जाके इनको ना रीड आउट कर सकते हैं फर्दर इन डिटेल। तो इसको अगर रीड आउट कर लें इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। सो आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर हेयर एट दैट मोमेंट, सही है। और अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर वही के लास्ट लेक्चर से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा क्विज बनाया है तो उसको मैं शेयर करा देता हूँ, तो यू कैन डू इट एंड देन वी कैन स्टडी द लेक्चर।